हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारी नई नई वीडियो है आपके पास तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसका स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारा जून 2015 के अंदर सिंगल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया था। क्या कहता है क्वेश्चन? लेट कैपिटल ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ रैंक एन विथ रियल एंट्रीज, देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ए जो है हमारी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है जिसकी रैंक जो है एन है, तो आप बताइए। फर्स्ट ऑप्शन कहता है ए एक्स इज इक्वल टू बी है द सोल्यूशन फॉर एनी बी। सेकेंड ऑप्शन कहता है ए एक्स इज इक्वल टू जीरो डज नॉट हैव अ सोल्यूशन, इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन कहता है इफ ए एक्स इज इक्वल टू बी है द सोल्यूशन देन इट इज यूनिक, अगर इसके पास सोल्यूशन होगा तो वो कौन सा होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है कहता है वाई ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू जीरो फॉर सम नॉन जीरो वाई वेयर वाई ट्रांसपोज वाइट टी डिनोट्स द ट्रांसपोज ऑफ द वेक्टर वाई। जो वाई टी है वो क्या है? रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपोज ऑफ द वेक्टर वाई। तो यहाँ पे चलिए देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा। ए जो है हमारी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। ए हमारी क्या है? एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। और यहाँ पे क्या कहा है, इसकी जो रैंक है ना, इसकी रैंक एन है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन है, मींस जो मैट्रिक्स ए है वो कैसी है? फुल रैंक की है। फुल रैंक की है, मैट्रिक्स का रैंक एन है। उस केस में जो ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो है, फुल रैंक है, इसके पास सोल्यूशन होगा, और वो कौन सा सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। यहाँ पे क्या कहता है इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो डज नॉट हैव अ सोल्यूशन, इसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब हमारा एक्स इज इक्वल टू जीरो, हमने बताया था जब हमारा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, अगर उसकी रैंक फुल होगी तो उसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। उसकी जो रैंक होगी अगर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाएगी तो उस केस में जो है हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। यहाँ पे क्या कहता है इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो डज नॉट हैव अ सोल्यूशन, इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। दैट मीन्स जो बी ऑप्शन लिखा हुआ है वो रॉन्ग लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या कहता है ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज अ सोल्यूशन फॉर एनी बी, मीन्स बी को आप किसी भी बी के लिए जो है ए एक्स इज इक्वल टू बी मीन्स जो हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसके पास क्या होगा? सोल्यूशन होगा प्रत्येक बी के लिए। बी को आप कुछ भी ले लीजिए, इसके पास क्या हो जाएगा? सोल्यूशन होगा। और यहाँ पे क्या कहता है एक्स इज इक्वल टू बी हैज अ सोल्यूशन देन इट इज यूनिक, इसके पास जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा। यहाँ से देखिए, मान लीजिए ए एक्स इज इक्वल टू बी है, ए क्या है हमारी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे आप ए आर्गुमेंटेड बी लिखोगे, ए की रैंक कितनी है? एन है, मींस जो भी है एन है। अब यहाँ से जब रैंक ए की एन है तो इसी तरीके से रैंक ए आर्गुमेंटेड बी आप जब लिखोगे तो कितना हो जाएगा? जब कभी भी मैट्रिक्स की रैंक जब एन होती है तो रैंक ए आर्गुमेंटेड एन बी की जो भी रैंक होती है क्या होती है? एन होती है। यहाँ से भी इसकी रैंक एन हो जाएगी। और हमने बताया था कि फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम, फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसके पास यूनिक सोल्यूशन कब होगा? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ वेरिएबल एन के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? रैंक ए की एन है, ए आर्गुमेंटेड बी की एन है, और वो किसके इक्वल है? दोनों के दोनों इक्वल हैं, और किसके इक्वल है? नंबर ऑफ वेरिएबल के। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है? एन है। इसका मतलब जो हमारा
नॉन होमोजीनियस सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी है, इसके पास सोल्यूशन होगा, और वो कौन सा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। यहाँ से इसका मतलब जो सी है ये हमारा सही है। अब हमारा सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है, सी जब सही हो गया इसका मतलब जो ए है और जो डी है ये हमारा क्या है, रॉन्ग ऑप्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका जो है हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, यहाँ पे इसका जो थर्ड ऑप्शन है सही है। क्या है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू बी है तो उसके पास सोल्यूशन होगा, और वो कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा दिसंबर 2015 के अंदर पूछा गया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर